दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज फिर एक नए वीडियो में दोस्तों हम आपके बीच में लेकर आए हुए हैं बिहार बीपीएससी में असिस्टेंट मैकेनिक इंजीनियर की वैकेंसी निकली है दोस्तों, जिसके लिए आपकी क्या एजुकेशन होनी चाहिए और इसके लिए आवेदन आप कब से कर पाएंगे और दोस्तों इसमें आपकी क्या फीस रहेगी, सारी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में हम आपको देंगे। और जिन भी साथियों ने हमारे यूट्यूब चैनल राहुल बौद्ध को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक पेज आर के अहरवा को दोस्तों फॉलो करें, जिससे हर वीडियो आपके बीच में मिल सके। दोस्तों, बढ़ते इस वीडियो में जाने संपूर्ण जानकारी। हेलो दोस्तों, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की बीपीएससी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है दोस्तों, जिसमें आपको असिस्टेंट इंजीनियर का नोटिफिकेशन ईई सिविल मैकेनिक रिक्वायरमेंट 2024 के लिए रिक्वायरमेंट निकली हुई है दोस्तों, भर्ती निकली हुई है, जिसके आवेदन आप कर पाएंगे दोस्तों। इम्पोर्टेंट डेट दोस्तों, अगर आप सिविल इंजीनियर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके लिए 15/6 से अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, और लास्ट डेट है आपकी 30/6/2024। तो मैं ज़्यादा समय नहीं है दोस्तों, तो आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें। और इसके दोस्तों लास्ट एग्ज़ाम फीस वो भी दोस्तों आपकी 30/6/2024 है। अभी कोई एग्ज़ाम डेट के पर शेड्यूल नहीं आया दोस्तों, जब भी आपका एग्ज़ाम डेट आएगा तो हम आपको बता देंगे। अगर इसके लिए आवेदन करते हैं दोस्तों, आप इंजीनियर के लिए आवेदन करते हैं आप, तो अगर जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी अदर स्टेट से हैं आप, तो आपके 750 रुपये लगेंगे। अगर दोस्तों आप एससी और एसटी और पीसी पीएच हैं दोस्तों, तो आपके 200 रुपये फीस लगेगी। आप किसी भी स्टेट से हों तब भी आपकी 200 रुपये फीस लगेगी। अब एससी और एसटी वाले हैं तो, और फीमेल वालों के लिए दोस्तों ऑल कैटेगरी के फीमेल वालों के लिए 200 रुपये फीस है दोस्तों, ज़्यादा फीस भी नहीं है, तो आप जल्दी जल्दी आवेदन कर दें। इसकी फीस आप किस थ्रू कटवा पाएंगे? पे द एग्जाम फीस थ्रू ऑनलाइन ऑफलाइन फीस मोड से भी करवा सकते हैं। ऑनलाइन दोस्तों आपको डेबिट कार्ड के थ्रू नेट बैंकिंग के द्वारा, और ऑफलाइन दोस्तों आप किसी भी बैंक में जाकर वहाँ से फीस जमा करवा पाएंगे। बीपीएससी ई सिविल मैकेनिक नोटिफिकेशन 2024 दोस्तों, एज लिमिट आपकी एई सिविल मैकेनिक के लिए आपकी एज क्या होनी चाहिए? 1/8/2024 तक आपकी मिनिमम आयु 21 वर्ष पूर्ण होना चाहिए, तभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज 37 ईयर और फॉर मेल, मतलब आपकी 21 वर्ष से 37 वर्ष तक आपकी आयु होनी चाहिए। अगर आप एस सी ओ एस टी में हैं तो आपकी 40 वर्ष तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए आपको 3 वर्ष तक की छूट दी जाएगी अगर एस सी एस टी वाले हैं तो आपको। दोस्तों, रीड द नोटिफिकेशन फॉर एज रिलैक्सेशन इन बी पी सी असिस्टेंट इंजीनियर ई सिविल मैकेनिकल रिक्वायरमेंट 2024। सारी नोटिफिकेशन दोस्तों हम आपको पहले ही बता चुके, बिहार बी पी एस सी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए टोटल पद दोस्तों कितने निकले हुए हैं? 118 पद निकले हुए हैं। पोस्ट दोस्तों आपको असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, हम आपको पहले ही बता दे चुके हैं दोस्तों, असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी निकली हुई है। टोटल पोस्ट दोस्तों 113 है। बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर ई एलिवेटी, जिसके लिए आपको क्या पास होना चाहिए? बीई बीटेक की डिग्री आपके पास होना चाहिए, तभी इसके लिए अप्लाई कर पाए, नहीं दोस्तों आप अप्लाई नहीं कर सकते। किसी भी इंडस्ट्री से, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपकी बीई या बीटेक होना अनिवार्य है, तभी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 5 वैकेंसी के लिए है मैकेनिकल में, आपको इसमें भी दोस्तों को बीई बीटेक डिग्री होना अनिवार्य है, तभी इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशन कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल, दोस्तों आपको किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी निकली है, सारी जानकारी दोस्तों इसमें आपको दे रहे हैं। एई सिविल में 26 वैकेंसी जनरल वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 11, ईबीसी के लिए 3, ओबीसी के लिए दोस्तों 21, बीसी फीमेल के लिए नहीं, एससी के लिए 21 और एसटी के लिए 4 पोस्ट, और टोटल 113 पोस्ट निकली हुई हैं। एई में कहने के लिए जनरल में 1 कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी, ओबीसी में दोस्तों आपको ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1, ईबीसी के लिए 2, ओबीसी के लिए 1, महिलाओं के लिए कोई नहीं, और दोस्तों टोटल 5 वैकेंसी निकली हुई है। एस सी एस टी वालों के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। हाउ टू फिल बी पी एस सी असिस्टेंट इंजीनियर ऑनलाइन फॉर्म, आप इसका अप्लाई किस प्रकार कर पाएंगे, सारी जानकारी दोस्तों अपने देख ही चुके हैं।
इसके अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन BPCR इशू असिस्टेंट इंजीनियर एयर रिक्वायरमेंट नोट 2024 एंड इनवाइटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म BPC बिहार ई सिविल इंजीनियर मैकेनिक पर। आपको कैंडिडेट के अप्लाई की वेबसाइट पर जाना, जो आपके हम बता ही चुके हैं दोस्तों कि सरकारी रिजल्ट आप खोल लें, वहाँ BPSC का ऑप्शन आएगा, उस पर टैग करें, वहाँ अप्लाई का ऑप्शन रहेगा। इसके अप्लाई के ऑप्शन दोस्तों आपको पहले बता दें 15/6 से अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट आपकी 30/6/2024 तक। अगर इसके लिए आप अप्लाई करते तो क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, पहले हमको BE के बताई चुके इंजीनियर आपकी आधार कार्ड पैन कार्ड आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी इसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। हैंड राइटिंग एलिविटी ID प्रूफ एड्रेस डिटेल बेसिक डिटेल आपको भरनी होगी, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ लगा दोस्तों काइंडली रीड स्कैन डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड रिक्वायरमेंट 2024। पूरे डॉक्यूमेंट्स दोस्तों आपको ओरिजिनल होकर उसे स्कैन करना पड़ेगा, तभी आप लोग दोस्तों इसका अप्लाई हो पाएगा। हिंदी इंग्लिश सिग्नेचर दोनों में करना पड़ेगा। बिफोर सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक प्रोवाइज एंड द कॉलम केयरफुली, जितने भी आवेदन आप भरेंगे उसमें सारे कॉलम पढ़ लेना अच्छे से, तभी उसको दोस्तों आपको टैग करना है। इफ कैंडिडेट रिक्वायरमेंट पेइंग एप्लीकेशन फीस मस्ट सबमिट, आप जिस प्रकार अपनी फीस भरते हैं तो उसको एप्लीकेशन को सबमिट पूरी तरह चेक कर लें, तभी उसकी पेमेंट फीस भरें। इफ़ यू हैव नॉट रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फीस और फॉर्म नॉट कम्प्लीट, अगर आपने पेमेंट भर दिया आपकी एप्लीकेशन फीस जमा कर दी, आपने ढंग से नहीं फॉर्म भरा, दोस्तों आपका ID कार्ड नहीं आएगा, आपका वेस्ट ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी। टेक द प्रिंट आउट फाइनल सबमिट फॉर्म, जब आप दोस्तों फॉर्म भर दें तो उसकी प्रिंट आउट आप ले लें फाइनल पर। दोस्तों फिर दोस्तों हम इसी प्रकार कोई ना कोई सरकारी जॉब या प्राइवेट जॉब लेकर आपके बीच में आएंगे, फिर किसी अपडेट नई अपडेट लेकर आपके बीच में आएंगे। दोस्तों अगर किसी भी साथी को किसी भी प्रकार की वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो रही है, जहां पर दोस्तों आपको समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, तो वहां हमें कमेंट में जो भी बताएं, जिससे हम आपको बता सकें और समझा सकें। अगर किसी प्रकार की दोस्तों प्रॉब्लम आई तो कमेंट में नंबर दें, जिससे हम आपसे संपर्क कर सकें और सारी जानकारी दे सकें। फिर इसी प्रकार की वीडियो मिलेंगे, जब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।